भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक के भीलवाड़ा चैप्टर द्वारा स्थानीय एसडीए सीनियर स्कूल में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में शामिल छात्र छात्राओं को पारितोषिक भी वितरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला वन अधिकारी ज्ञान चंद ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का मिजाज बदल रहा है और तापमान में वृद्धि के साथ ही अकाल तो कहीं बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में हमें चाहिए कि पृथ्वी दिवस जैसे आयोजनों को त्योहार के रूप में मनाएं और जन जन में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाएं। मुख्य वक्ता के रूप में चैप्टर कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम गंभीरता के साथ प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत हो जाएं, नहीं तो प्राकृतिक असंतुलन की वजह से प्राणी मात्र का जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बच्चों को नारों के माध्यम से बताया कि धूल धुआं और बढ़ता शोर पृथ्वी चली विनाश की ओर, पेड़ हमारे प्राण हैं, जीवन की मुस्कान है, इत्यादि नारे भी उन्होंने लगवाए। इस दौरान प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। पृथ्वी को बचाने के लिए बच्चों में पोस्टर प्रतियोगिता हुई, उसमें विजेता बच्चों को स्मृति चिन्ह और प्रशंसा पत्र दिए गए। लालची वृत्ति के लोगों का प्रकृति के साथ, पृथ्वी के साथ अमानवीय व्यवहार के कारण आज विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की जरूरत पड़ रही है और पृथ्वी का मिजाज इतना गर्म हो गया है, पृथ्वी को बुखार चढ़ गया है कि यहाँ से जंगल साफ कर दिए, वन्य जीवों को हमने मार दिया, तालाबों को बर्बाद कर दिया, नदियों की दुर्दशा कर दी और खासकर कम होते जंगल और बढ़ती आबादी के कारण पृथ्वी की दुर्दशा हुई है। हम सबको मिल करके खूब पौधे लगाने होंगे, पुराने पेड़ों को बचाना होगा, वन्य जीवों को समय समय पर बचाने के लिए अभियान चलाना होगा। बच्चों को भारतीय सांस्कृतिक निधि के बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इंटेक के बैनर तले। हम सब मिलकर सरकार के भरोसे न रहें और हम प्रकृति को बचाने के लिए प्रकृति के नियमों की पालना करें, पुराने पेड़ों को बचाएं, नए पेड़ लगाएं।